आप सभी सीबीएसई या आरबीएसई? सीबीएसई। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आपका ये कोर्स है ना, 1 ईयर का है, राइट? ये 1 ईयर का कोर्स क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट? 6 मंथ का बना सकती थी या 7 मंथ का बना सकती थी या 8 मंथ का बना सकती थी, 1 ईयर का क्यों बनाया? क्यों, पता है आपको? नेवर। क्योंकि ये कोर्स आपको 1 ईयर में खत्म करना है। लेकिन आप क्या करते हो, इमेजिन, आप क्या करते हो? एग्जाम से पहले 3 या 4 महीने पढ़ते हो, आई एम राइट या नॉट? व्हाई? कोर्स आपका 1 ईयर का है और आप ये जो आती होगी 1 वीक सीरीज आती होगी, हमारे टाइम पे तो आती थी, आपके टाइम पे भी आती होगी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आते होंगे बाजार में, आप लाते होंगे आपसे बुक के रिलेटेड, हमारे टाइम पे तो आती थी, हम पढ़ते थे 1 वीक सीरीज, पूरा कोर्स हम भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज समझ में आया कि पूरा कोर्स पढ़ते तो आगे क्या यूज आता है। तो आप भी सेम गलती ना करें, जब 1 ईयर का आपका कोर्स है तो आप 2 महीने 3 महीने 5 महीने में आप अपना कोर्स कैसे खत्म कर लोगे? आप अपने कोर्स को पूरे 1 ईयर में खत्म करना, और आपको डेली आपको पढ़ाई करनी। आप यह मत सोचो कि मैं 3 महीने में पढ़ाई करके पूरा कर लूंगा, मैं चार महीने में करके मेरा कोर्स खत्म कर लूंगा। अगर आपको इतने कम समय में कोर्स खत्म करना था ना, तो गवर्नमेंट भी 6 महीने का कोर्स दे देती आपको। 1 ईयर का कोर्स क्यों दिया? क्यों? क्योंकि ये पूरे 1 ईयर में आपको पढ़ना है। इसलिए आप ये गलती कभी मत करना कि मैं 5 महीने में पढ़ लूंगा, मैं 4 महीने में पढ़ लूंगा, मैं 6 महीने में पढ़ लूंगा, मैं 7 महीने में पढ़ लूंगा। आपको पूरा 1 ईयर कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। अदरवाइज आपको सिर्फ पास होना है ना, तो नो नेवर, कोई बात नहीं, आप 2 महीने पढ़ सकते हो, आप 3 महीने पढ़ सकते हो, आप 4 महीने पढ़ सकते हो, उसमें क्या होगा, आप सिर्फ पास हो, ये थोड़े बहुत नंबर ला सकते हो। इसलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी रणजी खेल रहे थे, उन्होंने अपना वनडे करियर, इंटरनेशनल करियर स्टार्ट नहीं किया था, उस वक्त झारखंड रांची में रणजी खेल रहे थे, तो उनके एग्जाम और मैच दोनों साथ साथ चल रहे थे। आज मैच था और कल उनका एग्जाम था, तो उनके मन में कुछ लगा कि यार मैं मम्मी से बात करता हूं कि एग्जाम पोस्टपोन कर देता हूं, यार मैच और एग्जाम दोनों साथ साथ में कैसे होगा, मैं पढ़ाई नहीं हो पाई। तो उन्होंने मम्मी से बात की कि मम्मी यार कल मेरा एग्जाम है और आज मेरा मैच है, तो मैं पढ़ाई नहीं हुई मेरी, और आप कहो तो मैं एग्जाम नहीं दूं। तो मम्मी ने कहा बेटा देख, मैं नहीं जानते, तू तेरे पापा से पूछ ले। वो पापा से थोड़ा डरते थे, पापा थोड़े उनके स्ट्रिक्ट थे। अब मम्मी ने उनको मना लिया था, अब पापा से बात करनी थी तो पापा से कैसे बात करें, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और पापा के पास गए। पापा को कहा, पापा कल मेरा एग्जाम है और आज मेरा रणजी मैच है, क्या करूं, मैं एग्जाम पोस्टपोन कर दूंगा। तो महेंद्र सिंह धोनी के फादर सिर्फ एक बात उनको कहते हैं कि बेटा अगर तुमने साल भर पढ़ाई की होगी ना, तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की होगी ना, तो एक दिन में पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंतर है, देख लेना। अगर आप साल भर पढ़ाई करते हो ना, तो एक दिन अगर आप मिस हो जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है ना, तो आपके एक दिन एग्जाम से एक दिन या एक महीने पहले या 2 दिन 3 दिन पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स गेनने हैं और अच्छे लाना है, आपको रैंक लानी है, तो आपको कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना होगा और पूरे साल रेगुलर पढ़ना होगा। आप चाहो कि मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने में पढ़ लूं, तो यह पॉसिबल नहीं होगा।